मैं पानी पानी हो गई। क्या पानी पानी तुम्हारा आइसक्रीम पानी पानी हो गई। कहीं जा नहीं रही है, वजह से ब्लॉग स्टार्ट करेगी। घर में बन ठन के रहना चाहिए, तुमको अच्छा फील होता है। सीरियसली मुझे तो लगा तुम रजनी स्टाइल में चश्मा पहनोगे, फिर देखा अटक गया तुम्हारे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है संडे, हैप्पी हैप्पी संडे मॉर्निंग गाइस। होपफुली आपका संडे बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा संडे बहुत लेजी से शुरुआत हुआ, हमने आज कुछ खास बनाया भी नहीं, इनफैक्ट बस घी टोस्ट खाए और अभी लंच में भी ऐसे प्लेन प्लेन सा फिश करी बनाए और चावल बने और कुछ नहीं। अ सिंपल संडे रूटीन चल रहा है। बट कल का दिन वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर निमी, क्योंकि निमी कल पहली बार कहीं गई थी। कहाँ गई थी चलो आपको लेके चलती हूँ, बट उससे पहले लेट्स गो टू द डे। पानी पानी डांस, पानी पानी मैं पानी पानी हो गई। मैं कितना बेकार हूँ यार म्यूजिक करने में। Nope. आज है सैटरडे और आज एक चीज होने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई, और वो चीज होने वाली है इस लड़की के साथ होने वाली है। तो चलिए फर्स्ट पहले निकलते हैं ये कार से और फिर आपको धीरे धीरे बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। गाइस हम लेके गए थे निमी को डेंटिस्ट के पास, बहुत दिन से पेंडिंग था। इनफैक्ट जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना उस टाइम से ही हम सोच रहे थे लेके जाएंगे, बट क्योंकि पैंडेमिक वाला सिचुएशन था वी एंड अप नॉट गोइंग। तो कल फाइनली हम उसको लेके गए और जाके हमारा दिमाग खराब हो गया यार। इसी वजह से शायद हमने ज्यादा फुटेज भी नहीं लिया, हमने पहले हमने पूरा ये बनाएंगे डॉक्यूमेंट करेंगे ये करेंगे, फाइनली जाके वो डॉक्टर से बात करना। जैसे ही डॉक्टर से बात करना स्टार्ट किया ना पूरा। एंड वी थॉट चलो गिव अप, क्या करूं मैं कुछ। आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी लंच का टाइम हो रहा है, बच्चे नहा भी रहे हैं तो उनको पहले निकालती हूँ, लंच करवाती हूँ, फिर आराम से बैठ के आपको बताती हूँ डेंटिस्ट के वहां क्या हुआ है। तो गाइस अभी 4 बज रहे हैं शाम के, बच्चों को मैं फ्रूट्स दे के आई हूँ और आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ निम्मी के डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट में क्या हुआ था। तो निमी के काफ़ी सारे मोलर्स में स्पेशली कैविटी है, तो डॉक्टर ने जैसे देखा उसने बोला कितने बार उसने विजिट किया है पहले डेंटिस्ट को, तो हमने कहा एक बार भी नहीं क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था 2.5-2 साल से, तो विजिट करना नहीं हुआ है जबकि हम बहुत पहले से सोच रहे थे जाएंगे। तो डेंटिस्ट ने कहा टू बी ऑन अ बेटर साइड, पहले एक एक्सरे कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, और इसमें अभी संदीप आश्रित के साथ बाहर खड़ा है। तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है चलो आप एक्सरे लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कितना फीलिंग कराना है ये क्या कराना है। तो निमी को एक्सरे के लिए लेके गए, वहीं पे उनके था। तो एक्सरे वाज डन और डॉक्टर को डिजिटल एक्सरे आ गया था, तो डॉक्टर ने फिर बुलाया जे आ जाओ एक्सरे ऐसा है। तो मैंने संदीप को भी अब बुलाया जी डॉक्टर अब तो बोलेगा इतना रात का क्या कराना है, तो संदीप कराना ज़रूरी है। तो संदीप मैं आश्रित ने में सब गए डॉक्टर के केबिन में। हाँ आश्रित भी रहना जरूरी है, वही तो बताएगा ठीक। फिर डॉक्टर ने देख के बोला 4 दांत में बहुत ज्यादा कैविटी है, थोड़ा अंदर तक गया है कैविटी, तो एक काम करो बच्चों का एक वो जो बड़ों का जैसे रूट कैनल आता है ना, तो बच्चों का भी कुछ ऐसा एक प्रोसीजर आता है, तो 5 दांत में उसका ये करना जरूरी है। 4 बोला 5 हो गया अभी नहीं 5 दांत बोला उसने
तुमने बोला चार में बड़ा कैविटी, चार में बड़ा कैविटी और एक कैनाइन भी उसका काफी मतलब अंदर तक खा गया है क्या? मुझे जितना याद है पांच ही बोला था, चार नहीं, चार नहीं, पांच, पांच ही बोला था। और एक एक कराने में, नहीं नहीं एक एक कराने में तुम ड्रामेटिकली बोलते हो, रुको जैसे डॉक्टर ने बोला था आप उस प्रोसेस में लगेगा 3,500 रुपए, हमने बोला चलो शायद 3,500 का एक लगेगा, फिर बोलते हैं वो दैट्स ओनली फॉर द प्रोसेस, उसके ऊपर जो कैप वगैरह लगेगा उसके और 3,500 रुपए लगेंगे, तो पर्टिकुलरली एक दांत के लिए इट्स 7,000 रुपए, 7,000 रुपए, और वैसे पांच दांत कराने हैं और पांच साल बाद वो सारे दांत, पांच साल नहीं ये दो साल और दो साल बाद से वो दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका एक्सरे जब आया ना उस दांत के दांत दिख रहा, दांत दिख रहा है उसका, ठीक है। और निमी को जनरली उस दांत में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका जो पीछे मोलर दांत निकल रहा है ना उसकी वजह से उसको ज्यादा इरिटेशन होती है, ये स्वेलिंग है उसका पीछे एकदम जो लास्ट मोलर जो निकलता है ना, तो इट्स नॉट अबाउट कैविटी प्रोबब्ली, वो क्योंकि मुझे पता है ना इट्स ऑलवेज रेड, ऑलवेज निकलने के लिए इसका प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो शी हैज नेवर कंप्लेन अबाउट सेंसिटिविटी, नथिंग, उसका ना उसको मीठा खाने से प्रॉब्लम होता है ना ठंडा खाने से प्रॉब्लम होता है। कल जब हम निकले थे निमी इतना आइसक्रीम खा के आई है यार, क्या पानी पानी तुम्हारा आइसक्रीम पानी पानी हो गई, उसको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, दांत दर्द की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार वो स्पेशली रात को बोलती है उसको दर्द हो रहा है, अगर ब्रश डॉक्टर के वो डॉक्टरी कर रहे हो छोड़ो वो सब, बेसिकली वो लोग हमको फिर से कॉल करेगा, फिर ऐसा हमारे ऊपर हम क्या डिसाइड करें, पर मुझे तो हमारे ऊपर है, पर वो तो ऐसे बोलेगा नहीं आई वुड सजेस्ट, मैंने कल उसको बहुत अच्छे से बोला था जे अगर इट्स गोना फॉल डाउन दोज आर ओनली मिल्क टीथ, और नीचे अगर दांत दिख रहा है उसे बोला एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे नया टीथ है ना उसका पोजिशन इधर उधर हो जाएगा, साइड वगैरह या इधर उधर निकल जा सकता है, तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं, वो हमारे लिस्ट में नहीं था, एक्सट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, हाँ। और हमें वो रूट कैनल भी नहीं कराना है, आई रिक्वेस्टेड हर हो सके तो उसको फिलिंग करवा दो, क्योंकि जितना कैविटी दिख रहा है ऊपर से आप एक्सरे में देख लो जितना है क्लीन करके फिल कर दो, तो उसने कहा आप फिलिंग करा देने से भी ना उसको दर्द वापस से होगा, पर अब हम जब ये क्लियर पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है उसको दर्द एक्चुअली जो नया टूथ निकल रहा है उसमें है, ना कि कैविटी, कैसे डॉक्टर को डॉक्टरी कर रहे तुम, पर आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई यार, जे उसको फीलिंग करके देखते हैं 3-4 महीना में, अगर उसको दर्द नहीं होता है तो इट मींस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, डॉक्टर करेगा, तुमको पता है तुमको भगा दिया था एक बार, तुम बोले थे मुझे फीलिंग कराओ, बोलते नहीं नहीं हम नहीं कराएंगे, तुमको तो रूट कैनल कराना पड़ेगा, बिलीव नहीं करूंगी मैं, अच्छा दांत को उसने मेरा सेंसिटिविटी टेस्ट कराया, सब कुछ टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, बोलता है दिस इज गोना फॉल डाउन, दिस इज गोना, नहीं नहीं और मजे की बात सुनो, वो जब सेंसिटिविटी टेस्ट करा रहे थे तुम बोल रहे हो मेरा कुछ सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब नहीं तुमको हो रहा है, तुमको हो रहा है, तुमको हो रहा है, तुम बोल रहे हो इतना वियर्ड बैड एक्सपीरियंस है ना मेरा डेंटिस्ट के साथ, एंड बिलीव मी माय दैट टूथ इज गोइंग स्ट्रांग टिल दैट, यू जस्ट डिड फीलिंग ये भी तो बोल रहा है, आई जस्ट नहीं कराया था, पर उन लोगों ने भी तुम्हारा फीलिंग करा के नहीं दिया, दूसरे डेंटिस्ट के जाना पड़ा, आई वेंट समवेयर एल्स, क्योंकि जब आपको एक बार कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर वर्डिक्ट दे देता है ना उसका वर्डिक्ट चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, निमी के लिए भी ढूंढो कोई, I will, क्योंकि जो हम डॉक्टर से हम कल मिलने गए थे ना दैट वॉज नॉट अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, तो वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को बुलाएगी, ही विल डू द प्रोसीजर, तो ही विल कम इधर ऑन ट्यूसडे, ऑन कन्विंस कराते हैं, अगर वो फीलिंग नहीं करेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं, नहीं हम फोन में बात करेंगे फिर जाएंगे, हाँ ठीक है, चलो अब फ्रूट्स खाते हैं, चलो 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 चलो, बस अपने लिए, और यहाँ चावल बैठाया है बिरयानी बनाने के लिए, हम आज रेडीमेड वाली बिरयानी बनाएंगे, कल का चिकन रखा हुआ है चावल बना के बस कुकर में लेयर करके बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिरयानी, ऑटोमेटिक, हाँ तुम बैठे रहो ना कोई बात, अरे रुको रुको मैं अपना वो दिखाती हूँ, नमकीन दिखाती हूँ जो हम चाय के साथ खाऊं, चाय के साथ खाओगे जो पहले ही खा ले रहे हो, बढ़िया है,
तो गाइस बिरयानी बैठाना हो चुका है और मेरे पीछे आपको यहाँ पे कपड़े लटकते हुए दिख रहे होंगे क्योंकि बाहर अभी बारिश हो रही है और बालकनी से अंदर की तरफ पानी आ रहा है, तो वैसे आधे आधे सूख गए हैं, बाहर आएंगे तो पूरे गीले हो जाएंगे, तो मैंने रूम के अंदर इन्हें डाल दिया है, तो कल सुबह तक सूख जाएंगे। अगर धूप निकलता है तो मैं कल इन्हें थोड़ा सा और धूप में दे दूंगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया है गाइस, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बाय बाय, गुड नाइट।